हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो बहुत आसानी से बन जाता है। कई बार व्यूवर्स की शिकायत होती है कि उनका कस्टर्ड बहुत गाढ़ा बन गया या बहुत पतला बन गया, तो हम परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, जिसमें हमने बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल करा है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड। लेकिन सबसे पहले हम दूध गर्म होने रखेंगे। तो ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है। अब हम दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध। तो आप याद रखिए, आधा किलो दूध मैंने अलग लिया है और ये आधा कप दूध है, और ये हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है दूध। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है ये। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अगर हम गर्म दूध लेंगे तो उसमें कस्टर्ड पाउडर के लम्स बन जाएंगे। देखिए, कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह घुल गया है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं आए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप शुगर। ये तकरीबन 100 ग्राम चीनी है। अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे इसके अंदर। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा ले सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध पहले से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और शुगर भी इसके अंदर घुल गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था, थोड़ा थोड़ा सा वो हम इसमें डालते रहेंगे और इसे हम हाथ के हाथ हिलाते रहेंगे। नहीं तो ये होगा कि ये गाढ़ा होने लग जाएगा और इसमें थोड़े लम्स आने लग जाएंगे, तो हमें हिलाना साथ के साथ ही है जिससे कि इसमें लम्स ना आए। अच्छी तरह मिलाएंगे इसे। लगातार चलाना है आपको। अब देखिए, अब इसके अंदर कोई लम्स नहीं आया है। परफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ हमारा कस्टर्ड बनके तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि जो हमारे कस्टर्ड का पाउडर है उसमें कोई कच्चापन ना रह जाए, तो कस्टर्ड जो पाउडर है वो अच्छी तरह पक जाए और बिल्कुल कस्टर्ड में हमारा सिल्की सा स्मूथ सा टेक्सचर आएगा बनके। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा कस्टर्ड बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स, देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हमें ऐसा ही चाहिए, ना ज्यादा ये पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जब हम इसको ठंडा करेंगे तब भी ये गाढ़ा होगा। रखे रखे गैस को अब हम बंद कर देंगे और अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रूट कस्टर्ड पहले से कितना गाढ़ा हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। आप इस स्टेज पे आप चाहे तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो फ्रूट उसमें डाल के ऊपर से कस्टर्ड डाल के सर्व कर सकते हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी टाइम पे ही सारे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए जो जो फ्रूट्स लिए हैं, जो मेरे पास घर में अवेलेबल थे, अनार है, कीवी है, चीकू है, ऑरेंज है। कई लोग ऑरेंज नहीं पसंद करते, आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर डालिए। आप मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स भी आप ग्रीन और ब्लैक दोनों में से कोई भी ले सकते हो, एप्पल है। तो अब हम इन सबको इसमें धीरे धीरे ऐड कर लेते हैं। बस आप जूसी फ्रूट जैसे वाटरमेलन, मेलन, इनका इस्तेमाल आप फ्रूट कस्टर्ड में मत कीजिए। उससे क्या होगा, टेस्ट भी नहीं आएगा और आपका कस्टर्ड बहुत पतला हो जाएगा। तो देखिए, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड होने रख दूंगी, क्योंकि कस्टर्ड जब, फ्रेंड्स 3 से 4 घंटे बाद हमारा कस्टर्ड बिल्कुल सेट हो गया है और आप देख सकते हैं ऊपर से ये बिल्कुल सेट हो गया और ठंडा भी बहुत हो गया है। अब आप चाहो तो इसको छोटे छोटे बॉल्स में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं इस तरह से एक बड़ा ले लूंगी बॉल और उसके अंदर मैं इसको
इस तरह से ट्रांसफर कर दूंगी। बहुत ही अच्छा हमारा कस्टर्ड बना है, देखिए फ्रेंड्स। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़े से फ्रूट्स और थोड़ी सी हम कीवी डाल देंगे। थोड़े से हम डाल देंगे इसमें अनार के दाने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं थोड़े से इसमें बादाम और थोड़े से इसमें काजू भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो किशमिश भी डाल सकते हो इसके अंदर और थोड़ी सी ड्राई वाली चेरी। फ्रेंड्स हमारा कस्टर्ड बनके बिल्कुल तैयार है। और आप एक काम कर सकते हो, जब आप इसको सर्व करो तो आप इसके साथ एक स्कूप वनीला आइसक्रीम का डाल के सर्व कीजिए। बहुत ही मजेदार कस्टर्ड खाने में लगेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप क्या नेक्स्ट रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखकर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।